दोस्तों, आप देख सकते हैं IUCL मार्केटिंग डिवीजन ईस्टर्न रीजन के ऑफिशियल साइट पे मैं विजिटेड हूँ। मैं बताऊँ दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट का अभी दो दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है ऑनलाइन, तो उसमें कौन कौन से आपका डॉक्यूमेंट लगेगा इस वेबसाइट पर टोटली मेंशन कर दिया गया है, लिस्ट बना दिया गया आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह के कौन कौन से आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा, वो टोटल मेंशन कर दिया। अभी आप थोड़ा सा इस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IUCL के मैं ईस्टर्न रीजन का ऑफिशियल साइट पर हूँ और यहाँ पर आप लोग को कुछ बताया ये जा रहा है कि आप लोग को किस तरह से, मुझे आशा है कि काफ़ी कैंडिडेट NAPS या NATS पर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, अपना अपना स्क्रीन शॉट टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर रहे हैं, तो मुझे आशा है कि सब लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे। जो नहीं किए होंगे तो यहाँ पे आप अपना स्टेप फॉलो कर सकते हैं कि किस स्टेप में आप लोग का रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ये रजिस्ट्रेशन आप लोग देख लीजिएगा, मात्र अगर देखा जाए तो 7-6 टोटल स्टेप है, उसी स्टेप के अकॉर्डिंग अपना NAPS में या NATS में रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और मैं चलिए लेकर चलता हूँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट कौन कौन सी लगेगी वो लिस्ट पे। तो यहाँ पे आप जैसे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने टोटल लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगने वाले हैं। तो थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम इसी के लिए उसे थोड़ा सा साइट स्लो चल रहा है। यहाँ पे अभी जैसे खुलेगा मैं आपको अभी, तो फाइनली साइट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल मेंशन किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड। यहाँ पे ये लिख रहा है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी शुड बी फर्निश्ड एट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटली मेंशन कर दिया गया और लिस्ट यहाँ पे आपको दे दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले 10th मार्कशीट है, उसके बाद से SC ST OBC NCL है या डिसेबिलिटी आपके पास है या EWS है, तो एसेट सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पे बताया जा रहा है फॉर्मेट। तो जो भी आप लोग स्टेट वाले लिए होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आप लोग बनवा लिए होंगे मुझे आशा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के का सर्टिफिकेट आपके पास है तो उससे काम आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और यहाँ पे देखा जाए 4th नंबर पे, तो यहाँ पे 12th सर्टिफिकेट आपके पास है या NCVT SCVT, यहाँ पे डिप्लोमा वाले डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए और ITI वालों के लिए NCVT से हैं तो NCVT सर्टिफिकेट, SCVT है तो SCVT ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी है यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद से 5 नंबर पे ये बताया जा रहा है कि CGPA और OGPA का परसेंटेज मार्क चाहिए, अप्लीकेबल कन्वर्जन सर्टिफिकेट चाहिए। 6 नंबर पे देखा जाए तो सर्टिफिकेट मेंटेनिंग डेट अप्लीकेशन रिजल्ट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटेक्निक, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी आप लोग का सर्टिफिकेट है यदि आप उसका जीरोक्स लिए हैं आपके पास जो भी देखा जाए तो सेमेस्टर का, उस पर प्रिंसिपल का अटेस्टेड होना चाहिए आपके कॉलेज के। तो यदि आपके पास डिप्लोमा का या ITI का सेमेस्टर का जो कॉपी होगा नेट कॉपी, उसको प्रिंसिपल के द्वारा अटेस्ट करा लेना है। और उसके बाद से अगर देखा जाए 7 नंबर पे, तो ये पोस्ट कोड, इतने जितने भी इस पोस्ट कोड पे फॉर्म अप्लाई किए होंगे उनके लिए स्किल सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नीचे चला जाए तो यदि 8 नंबर बता रहा है कि यदि उसके बाद भी और भी कोई आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो ले सकते हैं, लेकिन जितना ऊपर है 7 नंबर तक उतना ही है तो उतना सा काम चल जाएगा। और यहाँ पे अब थोड़ा सा बात करेंगे प्री इंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस, मेडिकल के रिगार्डिंग बात करेंगे। देखिए अभी जो नोटिस आया ईस्टर्न रीजन का, उसमें तो अभी मेडिकल के रिगार्डिंग कुछ ऐसा पॉइंट नहीं लिखा गया था, और नहीं एडवर्टाइजमेंट जो एडमिट नंबर निकला था, नोटिफिकेशन निकला था रिक्वायरमेंट का, उसमें भी अभी नोटिफिकेशन मेडिकल के रिगार्डिंग उसमें ये लिखा जा रहा है कि आप शॉर्टलिस्टेड के बाद जो भी कैंडिडेट आएंगे तो उनके लिए मेडिकल लगेगा, लेकिन मेडिकल आप लोग का लगना ही लगने वाला है आप लोग जब ज्वाइनिंग लेंगे तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट से अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट। अभी फॉर्मेट आया नहीं है, अदरवाइज आप कहेंगे तो मार्केटिंग डिवीजन दूसरे रीजन का मैं आपको मेडिकल फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है उनका तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा, ये तो आप बात को अपनी मान लीजिएगा, आपका सर्टिफिकेट लगने ही वाला है। तो यदि आपके पास, चलिए आप देख लीजिए पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन हो जाए अच्छे से, उसके बाद से आपका जो है कि मेडिकल का कोई नोटिफिकेशन आएगा या वो लोग बताएंगे 11 तारीख को जो भी DV होने वाला है ईस्टर्न रीजन वालों कैंडिडेट के लिए। तो यही कुछ अपडेट था, मैं सोचा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, तो यही टोटल है। आप जाकर साइट पर भी देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये ऑफिशियल लिंक पे मैं आपको सोचा कि दिखा दूं ताकि आपको बिलीव हो जाए और आप जो है कि सारे फॉर्म को कलेक्ट कर ले। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।